हालात गड़बड़ कर सकते हैं सिचुएशन को, लेकिन कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। अब सुमन माँ को ही ले लीजिए, पंड्या स्टोर की सुमन माँ। माना कि रावी के साथ इनकी इक्वेशन बैठ नहीं पा रही, लेकिन भाई गौतम और धरा की लाइफ में अनीता देवी पंगा क्रिएट करे और उनको सबक ना सिखाए, सुमन माँ हो नहीं सकता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। मरना पसंद करूंगा लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगा। उस पे लिखो, किसी की मर्जी के बिना उसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करना पाप है। उठो, क्या सीधा सीधा लाइन लिखती रहेगी? लाइन लिखेगी फिर उठक बैठक, दूसरी लाइन लाइन उठक बैठक, लाइन उठक बैठक। चलो, जैसी करनी वैसी भरनी, ये समझाना और बताना सुमन माँ अच्छे से जानती है। अब भी देखिए अनीता को कितना भारी पड़ गया गोमी से प्यार करना। सुशील, सुंदर, अनीता, बैंड बाजे के साथ हम जिस बारात को लेके आए, बारात इन पांच दूल्हों की थी, तो ये जो लड़के हैं ना उनके गले में डाल हार और शादी करके इनके साथ कर ले प्यार। बेसिकली मार निकल गई है रिवेंज मोड पे, एंड अनीता ने जो जो हमारे साथ किया है आज कहीं ना कहीं 1% उसका बदला लिया जाएगा। एक पत्नी और माँ को धोखा दे रही थी अनीता, और जिसमें अनीता की मामी उसका साथ दे रही थी। पूरा पंड्या परिवार पहुंचा मामी के घर अनीता का स्वयंवर रचाने के लिए, और ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि सुमन माँ का था। सुमन माँ ये अच्छे से जानती थी कि अनीता को सबक कैसे सिखाना है। क्या ताली बजा रहे हो, सारे पागल हो गए हो क्या? काकी, काकी हमें क्या कर रही हो? मुझे शादी नहीं करनी है, और इन लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं, मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ। मुझे नहीं करनी है उनसे शादी, बच्चों को तो करनी है तुझसे शादी है। ऐसे जैसे मेरा गांव भी तुझसे शादी नहीं करना चाहता था, उसके पीछे पड़ी थी ना शादी करने के लिए। अब अनीता ने जब अपने इतने सारे दूल्हे देखे तो वो बेचारी सकपका गई, और उसने सुमन माँ के पैरों पर गिरकर माफी भी मांगी। आज के बाद तो ये जो पांच लड़के बुलाए गए हैं, ये सुमन काकी ने मुझे परेशान करने के लिए बुलाए थे ताकि मैं सपना अपना सच उगल दूं, और फाइनली सच तो पता ही था सबको। बट खैर, सुमन और धरा ने इस बार अच्छे से सबक सिखा दिया अनीता को। लेकिन उधर रावी की मासी का क्या, जिसके लिए रावी ने प्लान किया था, मासी के कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया जिसे पीकर मासी सबके सामने सारा सच बयां कर देगी, ऐसा रावी को लगा था। अब मासी ने कोल्ड ड्रिंक पी तो सही, लेकिन जो जो सवाल पूछा रावी ने उसका जवाब दिया ही नहीं, यानी कि एक बार फिर से रावी की चाल फेल हो गई। ये पूरा जो कांड आपने किया, मुझे इस घर में वापस लाने के लिए किया था। जमानत के पेपर्स आपने छोटे से साइन करवाए थे कि नहीं? क्या साबित करिए तो जमानत, जमानत के पेपर साइन कराइए, बोल रही है रावी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, और उसके बाद जैसी मैं बेहोश होती हूँ तो मुझ पे लाई डिटेक्टर मशीन लगा दी जाती है। इस बार धरा रावी से थोड़ी अपसेट है, बिकॉज पता नहीं शिवा को पाने के लिए वो कुछ भी किए जा रही है, कभी सांप ले आ रही है घर में, बट सांप इज डेंजरस ऑल्सो, घर में लेकर ऐसे आ जाना। अब अपने घर वालों के सामने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए आगे रावी क्या करने वाली है, ये तो भाई हमें भी देखना है। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।